आज की हमारी पहली कंपनी LKP फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी आकर पर चल रहा है 128 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 26 अप्रैल को। पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। और हमारी अगली कंपनी स्वराज इंजन्स लिमिटेड। कंपनी आकर पर चल रहा है 2435 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है डिविडेंड 95 रुपीज़, जिसकी एक्सडेट और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। कंपनी यहाँ कर पहुँच रहा है 1411 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है डिविडेंड 28 रुपीज़, जिसकी एक्स डेट अपकमिंग है और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड। कंपनी यहाँ कर पहुँच रहा है 703 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है डिविडेंड 17 रुपीज़, जिसकी एक्स डेट 26 अप्रैल है और रिकॉर्डेड 26 अप्रैल है। और हमारी अगली कंपनी एवेरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस है 349 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 26 अप्रैल को। पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। और हमारी अगली कंपनी बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस है 681 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 29 अप्रैल को। पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। और हमारी अगली कंपनी कैनरा बैंक लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 579 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है स्टॉक स्प्लिट 1:5 रेशो, जिसकी एक्स डेट 15th में है और रिकॉर्डेड 15th में है। और हमारी अगली कंपनी HDFC बैंक लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1531 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 20 अप्रैल को। पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। और हमारी अगली कंपनी मैस्टेक लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 2699 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 26 अप्रैल को। पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। और हमारी आखिरी कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 2437 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 25 अप्रैल को। पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट।